हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज मैं आप सभी के सामने एक गुलाब जल शेयर करने वाली हूँ जो कि ब्रांडेड और महंगे गुलाब जलों से बहुत ही अच्छा है। सो गाइस, उसके लिए आज मैं गुलाब की पंखुड़ियों का इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो आप देख लीजिए कि गुलाब की पंखुड़ियाँ ही लेनी है आपको, उसकी पौधे के अदर पार्ट्स नहीं लेने हैं, जैसे कि उसकी पत्तियाँ या तने से नहीं काम होगा। आपको सिर्फ उसकी पंखुड़ियाँ लेनी हो और आप उसमें देख ले कि कोई भी पत्ता सड़ा गला ना रहे। आप अगर सड़े गले पत्ते निकले उसमें से तो आप उन्हें छाट लीजिए। सो गाइस, जिस तरह कि आप लोगों को पता होगा कि गुलाब की जो पंखुड़ियाँ होती है उसमें विटामिन सी, विटामिन बी और विटामिन के भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो कि आपकी स्किन के डैमेज सेल्स को रिपेयर करता है और आपकी स्किन को यूथफुल बनाता है। और गुलाब की जो पंखुड़ियाँ होती है उसमें एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। तो आप गुलाब की पंखुड़ियों का अपने स्किन केयर रूटीन में ज़रूर शामिल कीजिए। तो उसमें से मैं आपको एक रेसिपी बताने वाली हूँ जो कि गुलाब जल है। तो आप देख लीजिए, अपने लिए ताज़े गुलाब लीजिए। ये ध्यान रखिए कि आपके जो गुलाब हो वो ताज़े और खिले खिले अच्छे गुलाब हो। तो उसके लिए आपको सबसे पहले गुलाब की पंखुड़ियाँ चाहिए और उसे अच्छी तरह से धो लीजिए। अब जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो, मैंने इसे कई बार साफ पानी से अच्छे से वॉश कर लिया है। अब मैं इसे एक पतीले में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। आप जिस भी बर्तन में कंफर्टेबल पका सको गैस पे, आप उसमें ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे पतीले में ले रही हूँ और मैं यहाँ पे बिस्लेरी वाटर का यूज़ कर रही हूँ। आप फिल्टर वाले वाटर का यूज़ कर सकते हो, आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसा लीज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पानी डाल रही हूँ और आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको पानी उतना ही लेना है कि आपकी जो पंखुड़ियाँ है वो अच्छे से पानी के अंदर डूब जाए। आपको ज़्यादा पानी भी नहीं लेना है कि आपकी पंखुड़ियाँ उसमें तैरे। आपको पानी इतना ही लेना है कि सिर्फ आपकी पंखुड़ियाँ उसमें डूब जाए। तो आप देख सकते हो कि मैं चेक कर रही हूँ और मैंने पानी उतना ही लिया है कि मेरी पंखुड़ियाँ उसमें डूब गई है। तो आपको जो इसका अगला स्टेप करना है, आपको इसे गैस पे रखना है और आपका जो गैस है उसे आपको ऑन कर देना है। और आपको जो गैस का फ्लेम है वो मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाना है। आप इस चीज़ को ध्यान रखिए, आपको अपने गैस का फ्लेम हाई बिल्कुल नहीं करना है, वरना आपके जितने भी आप जो मेहनत कर रहे हो वो सब बेकार हो जाएगा और आपके इसमें जितने भी विटामिन्स हैं वो सब उड़ जाएंगे। तो आप इसे गैस को ऑन करें और तुरंत ही आपको उसे कवर कर देना है किसी भी ढक्कन से, ताकि आपके जितने भी विटामिन्स हैं वो सब उस पानी के अंदर रह जाए। तो अब यहाँ पे मैं चेक कर रही हूँ कि मैंने अब तक 10 मिनट पकाया है तो इसका कलर कैसा आया है। तो आप देख सकते हो कि इसका कलर जो है थोड़ा हल्का हल्का गुलाबी होने लगा है, लाइट पिंक, पर मुझे लग रहा है कि अभी इसमें और भी पकने की ज़रूरत है। तो मैं इसे थोड़ी देर के लिए और पकाऊंगी। आप भी इसी तरह से चेक कर सकते हो, क्योंकि अगर आप घर पे बनाओगे तो आपको मार्केट के हिसाब से ज़्यादा गाढ़ा कलर मिलेगा, क्योंकि मार्केट में कई तरह की केमिकल्स का यूज़ किया होता है तो इसलिए उनका कलर जो होता है थोड़ा लाइट होता है, तो आपको यहाँ डार्क में मिलेगा। तो मैं इसे थोड़ी देर के लिए कवर करके इसका जो फ्लेम है लो करके छोड़ दिया थोड़ी देर के लिए। अब मैं इसे दोबारा चेक करूँगी। तो आप देखिए, करीब 5 मिनट के बाद मैं इसे दोबारा चेक कर रही हूँ। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वीडियो में साफ साफ कि पहले से इसका कलर गाढ़ा हो गया है। तो मुझे इतना ही गाढ़ा चाहिए और इसी तरह का ही कलर आएगा। इसे मैं अगर और भी पकाऊंगी तो भी ये ऐसा ही कलर रहेगा, इससे ज़्यादा कलर नहीं आएगा। तो अब क्या करना है, आपको गैस का जो फ्लेम है उसे करना है बंद और अपने इस गुलाब जल को कवर करके रख देना है ठंडा होने के लिए। अभी विंटर सीजन चल रहा है तो ये जल्दी ठंडा हो जाएगा। तो मैंने इसे कवर करके छोड़ दिया है ताकि जो इसका भाप है वो बाहर ना निकले और इसके सारे विटामिन इस पानी के अंदर रह जाए। सो गाइस, अब यहाँ पे जो है मेरा गुलाब जल ठंडा हो गया है। तो अब मैं इसे अच्छे से छान के एक एयर टाइट कंटेनर में रख लूँगी। सो गाइस, आपको मैं इससे पहले बता दूँ कि आपको इसे यूज़ कैसे करना है।
तो आपको इसे दिन में 2 से 3 बार यूज़ करना है। यहाँ तक कि अगर आप चाहो जब भी अपना फेस वॉश करते हो तो आप इस गुलाब जल को यूज़ कर सकते हो। आपको बता दूँ, अगर आप इस गुलाब जल को डेली यूज़ करते हो, अपने स्किन केयर रूटीन में डेली इंक्लूड करते हो, तो आपके जितने भी ओपन पोर्स है वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। आपका जो स्किन है यूथफुल ग्लोइंग हो जाएगा। तो इसका यूज़ अपने स्किन केयर रूटीन में ज़रूर करें और आप इसे फ्रिज में 2 महीने तक स्टोर करके रख सकते हो, 2 से 3 महीने तक। और अगर आपके पास फ्रिज नहीं है तो भी आप इसे 20 से 25 दिन तक स्टोर करके रख सकते हो, लेकिन लंबे टाइम तक यूज़ करने के लिए इसे आप फ्रिज में रखें। गाइस, मैं आपको बता दूँ, आप मार्केट से इतने महंगे महंगे गुलाब जल टोनर यूज़ करते हो तो बहुत कॉस्टली भी होता है और उसमें बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल केमिकल्स भी होते हैं जो कि आपकी स्किन को डैमेज करता है। वो इस टाइम आपको रिज़ल्ट तो अच्छा देता है बट आपका जो स्किन है वो बहुत डैमेज होता है। तो अगर आप घर पे बना हुआ अपने हाथ का ये गुलाब जल यूज़ करोगे तो आपको पता है ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक है और इसके जो बेनिफिट है वो आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। लेकिन यह है कि घर पे बना जो प्रोडक्ट है उसका रिज़ल्ट लेट मिलता है मगर अच्छा मिलता है। सो गाइस, उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो आज की अच्छी लगी होगी। अगर लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने जितने भी फ्रेंड्स फैमिली हैं उनके साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अब मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ एक नए रेसिपीज के साथ। सो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय।